हेलो, मैं हूं सुप्रीत और आप देख रहे हैं स्लैम अप रेसलिंग। तो बड़ी खबर आ रही है न्यू जापान प्रो रेसलिंग से, जहां कंपनी के दो स्टार्स ने अनाउंस किया है कि वो न्यू जापान को छोड़ने वाले हैं। वो स्टार्स है सिक्स टाइम IWGP जूनियर हैवीवेट चैंपियन कुशीडा और फॉर्मर IWGP हैवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। दोनों ने अपने टाइटल्स हारे थे हाल ही में हुए रसल किंगडम 13 में। कुशीडा ने हारा अपना IWGP जूनियर हैवीवेट टाइटल ताइजी इशिमोरी से और ओमेगा ने हारा अपना IWGP हैवीवेट टाइटल हिरोशी तानाहाशी से। कुशीडा ने रसल किंगडम 13 के पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो न्यू जापान को अलविदा कहेंगे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा January 31st को। कॉन्फ्रेंस के अंत में कुशीडा रोते हुए दिखे और उन्होंने बताया कि ये डिसीजन उनके लिए बहुत मुश्किल था। कुशीडा को माना जाता है मॉडर्न डे एरा के बेस्ट जूनियर हैवीवेट। बताया जा रहा था कि रसल किंगडम के बाद कुशीडा आने वाले हैवीवेट रैंक्स में, पर कुशीडा ने कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो वही ओमेगा ने टोक्यो स्पोर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि वो छोड़ने वाले हैं न्यू जापान। इस इंटरव्यू में ओमेगा ने कहा, बेहतर होगा कि मैं न्यू जापान में ना रहूं। मैं नहीं काम कर पाऊंगा जहां तानाशी का राज चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे बेहतर है। अगर पॉसिबल हो तो मैं उसे एक बार फिर फेस करना चाहूंगा। अभी के लिए मुझे टाइम ऑफ की ज़रूरत है। जब ओमेगा को अपने फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो ओमेगा ने कहा कि अगर वो WWE में जाते हैं तो फैंस खुश रहेंगे, अगर वो AEW में जाते हैं तो फैंस खुश रहेंगे, पर वो जाना चाहेंगे जहां वो खुश रहेंगे। देखना होगा कि क्या फैसला लेते हैं कुशीडा और केनी ओमेगा अपने अपने फ्यूचर के बारे में। अगर हमें इस पर और भी कोई जानकारी मिलती है तो आपको मिलेगी यहाँ स्लैम अप रेसलिंग पर। अभी के लिए इतना ही। याद रहे लाइक और शेयर करना ना भूले, सपोर्ट करें पेट्रियन पर और सब्सक्राइब करें स्लैम अप रेसलिंग को और भी रेसलिंग न्यूज़ के लिए।